प्रोग्राम टू रिमूव फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ वर्ड इन अ गिवन स्ट्रिंग। सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग अवेलेबल है, स्ट्रिंग के किस में जस्ट आपको रिमूव क्या कराना है, ऑकरेंस ऑफ गिवन वर्ड्स। क्लियर? मीन्स जस्ट प्रीवियस सेशन में मैंने डिस्कस किया था, परफॉर्म किए थे ओनली सर्च ऑपरेशंस। मीन्स प्रीवियस सेशन में रिटर्न क्या कराया था, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस और इंडेक्स ऑफ लास्ट ऑकरेंस और नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ अ गिवन वर्ड्स। लेकिन इस सेशन में जस्ट कंप्लीट क्या करना है, हाउ टू रिमूविंग फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है लाइक कॉरपोरेशन, वी आर हैविंग सम स्ट्रिंग एज कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन के रिस्पेक्ट में जस्ट अगर आप ऑब्जर्व करो इसके इसमें ओ आर, स्ट्रिंग ओ आर का कॉम्बिनेशन टोटल इसके इसमें रिपीट कितनी बार हो रहा है, एग्जैक्टली टू टाइम्स, ओ आर एंड अगेन ओ आर। तो इसके इसमें जस्ट मुझे रिमूव क्या कराना है, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ओ आर। वी वॉन्ट टू रिमूविंग फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ओ आर। तो ओ आर के किस वजह का जब फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव कराओगे, तो सबसे पहले मिस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिक से टू स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या रहेगा, सबसे तो पहले आप सर्च करोगे ओ आर एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग या नॉन एग्जिस्टिंग। हो सकता है ओ आर नॉन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग हो, अगर एग्जिस्टिंग है देन ओनली आपको रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म कराना। दूसरा केस हो सकता है ओ आर मोर देन वन टाइम्स अपीयर हुआ हो, देन उस केस में आपको रिमूव क्या कराना, ओनली फर्स्ट ऑकरेंस। जैसे ही फर्स्ट ऑकरेंस इस प्लेस रिमूव हो जाए देन अगेन नेक्स्ट ऑपरेशन स्टॉप कर दो। क्लियर? फर्स्ट दो इस केस में जस्ट किसी भी सब स्ट्रिंग को रिमूव करने के रिस्पेक्ट में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। इसे प्रॉब्लम जस्ट मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्चिंग फर्स्ट ऑकरेंस, सर्च फर्स्ट ऑकरेंस। फर्स्ट ऑकरेंस को सर्च करने का लॉजिक जस्ट मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, सर्च फर्स्ट ऑकरेंस। देन जैसे ही आपको किसी भी गिवन स्ट्रिंग का फर्स्ट ऑकरेंस मिलेगा, जैसे इस केस में अगर बात करें, इन दैट केस इंडेक्स वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जस्ट इस प्लेस पर क्या आएगा, नल, नल का इंडेक्स वैल्यू क्या है 11, लाइक दैट। इस केस में जस्ट आपको सबसे पहले सर्च क्या कराना, ओ आर का फर्स्ट ऑकरेंस। तो ओ आर फर्स्ट ऑकरेंस किस प्लेस पर अवेलेबल है, इसका इंडेक्स क्या है एज 1। ना आपको इंडेक्स 1 मिल चुका है, देन इस केस में सेकेंड स्टेप फाउंडिंग लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग। नेक्स्ट वन फाउंड लेंथ और काउंट लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का लेंथ फाउंड करने का जस्ट पर्पज क्या है, इस केस में जब आप ओ आर को रिमूव कराओ तो रिमूव के केस में जस्ट परफॉर्म क्या होंगे, जस्ट शिफ्ट ऑपरेशंस। तो शिफ्ट ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में इस कोई भी एलिमेंट वन कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में शिफ्ट कराना है, टू कैरेक्टर टू पोजीशंस के रिस्पेक्ट में शिफ्ट कराना है, थ्री पोजीशन के रिस्पेक्ट में शिफ्ट कराना है, जस्ट डिपेंड करेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग। मीन्स लेंथ, अगर सब स्ट्रिंग का लेंथ अगर टू है देन उस केस में सारे के सारे कैरेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में कितने पोजीशन शिफ्ट होंगे, टू पोजीशन से। जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स ऑलरेडी जीरो इंडेक्स में अवेलेबल क्या है सी, देन ओ के प्लेस पर जब ओ रिमूव हो जाएगा देन इस पर्टिकुलर केस को ओ को रिमूव करने का, ओ का प्लेस कौन ले लेगा, जस्ट पी। क्लियर? नेक्स्ट वन आर के प्लेस पर क्या जाएगा, जस्ट अगेन नेक्स्ट कैरेक्टर ओ, देन अगेन पी के प्लेस पर क्या आएगा आर, अगेन ओ के प्लेस पर क्या आएगा ए, नेक्स्ट टाइम टी किस प्लेस पर आएगा, इन प्लेस ऑफ आर। आर के प्लेस पर जस्ट क्या रिप्लेस होगा टी, एंड ए के प्लेस पर क्या आएगा आई, टी के प्लेस पर क्या जाएगा जस्ट ओ, एंड आई के प्लेस पर क्या आ जाएगा एन। टोटल इस केस में कैरेक्टर्स कितने रिमूव हुए थे, ओ एंड आर, टू कैरेक्टर्स। तो इसलिए से टू पोजीशंस कैसे हैं एम्प्टी। नेक्स्ट वन ओ के प्लेस पर जस्ट क्या शिफ्ट होगा, जस्ट नल। क्लियर? मीन्स इनिशियली स्ट्रिंग के केस बात करें तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या था 11, स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे 11 कैरेक्टर्स। लेकिन करेंटली स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 11, मीन्स प्रीवियस केस में लेंथ क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। लेकिन करेंटली स्ट्रिंग के केस में टू कैरेक्टर रिमूव कराने के जस्ट और स्ट्रिंग का करेंट लेंथ क्या है एग्जैक्टली 9। क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन चेक करो व्हाट इज द प्रीवियस इंडेक्स ऑफ पी। पी के केस में प्रीवियस इंडेक्स क्या था, प्रीवियस इंडेक्स क्या था जस्ट पी का 3। लेकिन अब पी का करेंट इंडेक्स क्या है, जस्ट 3 और 1, वन। न्यू इंडेक्स क्या है इसके इसमें 1। देन सेम एज में बात कर रहा हूँ ओ, ओ के रिस्पेक्ट में प्रीवियस इंडेक्स क्या है 4 और ओ का करंट इंडेक्स क्या है जस्ट 2।
देन आर, आर के रिस्पेक्ट में प्रीवियस इंडेक्स क्या था आर का, जस्ट 5, लेकिन करंट इंडेक्स क्या है 3। इस केस में कुछ नहीं कि जब ये शिफ्ट ऑपरेशंस परफॉर्म हुए तो इनके पोजीशन में जस्ट डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ, एग्जैक्टली 2 रीजन। क्यों, इस केस में जिस स्ट्रिंग को रिमूव कराया था उस स्ट्रिंग का लेंथ क्या था 2। मीन से जब तक आपको लेंथ ही नहीं पता होगा देन आपके लिए शिफ्ट कराना पॉसिबल ही नहीं। मीन से लेंथ फाइंड आउट करने के जस्ट बाद नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन क्या रहेगा, अप्लाइंग रिमूव ऑपरेशंस। और रिमूव ऑपरेशन अप्लाई करने मतलब क्या, जस्ट एलिमेंट को स्ट्रिंग के लेंथ से शिफ्ट कराना। मीन्स अप्लाइंग डेटा शिफ्ट ऑपरेशंस, अप्लाइंग डेटा शिफ्ट ऑपरेशंस। इस केस में जस्ट मैं प्रीवियस टू कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। मीन्स किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ कैसे फाउंड आउट कर दें या फिर किसी भी स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में जस्ट अगर आपको किसी स्ट्रिंग का फर्स्ट ऑकरेंस सर्च कराना है तो ऑकरेंस को सर्च करने का भी लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। जस्ट इस केस में आप कॉन्सल्टेट करोगे हाउ टू अप्लाइंग डेटा शिफ्ट ऑपरेशन, काफ़ी इजी ऑपरेशन है। अगेन इस केस में जस्ट कोई भी स्ट्रिंग के स्ट्रिंग से आपको रिमूव क्या कराना है ओ आर, तो अगेन देन इस पर्टिकुलर फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या यूज करोगे, जस्ट परफॉर्म क्या करा रहा है रिमूव ऑपरेशन, क्लियर। तो रिमूव ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जस्ट आप इस केस में रिटर्न टाइप यूज करोगे वॉइड, क्योंकि इससे कोई भी मुझे रिजल्ट रिटर्न करने कोई भी रिजल्ट रिटर्न कराना रिक्वायर्ड नहीं है। देन फंक्शन नेम इज कौन सा ऑकरेंस रिमूव करना है, इस केस में फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव फर्स्ट, वी आर यूजिंग फंक्शन नेम इज रिमूव फर्स्ट। नेक्स्ट वन आर्गुमेंट टाइप, टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितने पास होंगे, 2 स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग ए एंड सब स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाई और पॉइंटेड बाई बी। नेक्स्ट वन, तो सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, परफॉर्मिंग फर्स्ट ऑपरेशन सर्चिंग ऑकरेंस। मीन सबसे पहले स्ट्रिंग का फर्स्ट ऑकरेंस सर्च करने की नीड है, क्लियर। एक बार आपको फर्स्ट ऑकरेंस मिल जाए फर्स्ट ऑकरेंस मिलने के जस्ट बाद देन आप अप्लाई क्या करोगे, इमीडिएटली शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो जब शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करें जैसे सबसे पहले ओ के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो गया पी, नाउ ओ इज रिप्लेस्ड बाई पी। इस जब ओ पी से नेक्स्ट क्या करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर से रिप्लेस होगा ऑटोमेटिकली, मीन्स वर्ड ऑटोमेटिकली इस केस में रिमूव हो रहा है। इस पर्टिकुलर ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए 2 इटरेटिव वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, इंटीजर आई और जे। मीन्स जस्ट मैं सर्च ऑपरेशंस और सर्च फर्स्ट ऑपरेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किया, पहले आप सर्च फर्स्ट वाले लॉजिक्स कंप्लीट करोगे देन इस वीडियो को आपके लिए कंटिन्यू करना पॉसिबल है। इस केस में जस्ट लॉजिक्स क्या थे, रीडिंग ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे और ओरिजिनल स्ट्रिंग किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है ए के थ्रू, प्लस जिस स्ट्रिंग के थ्रू आपको रिप्लेस कराना है, सॉरी जिस स्ट्रिंग को फर्स्ट ऑकरेंस को सबट्रैक्ट करना है इसको रिप्रेजेंट किसे करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल बी। तो सबसे पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट विजिट करेंगे, आई इक्वल्स टू एंड जे इक्वल्स टू जीरो। आई और जे का इनिशियलाइजेशन किससे कराया मैंने, जस्ट जीरो। नेक्स्ट में कब तक परफॉर्म कराना है, जब तक ए ऑफ आई का वैल्यू नल नहीं हो जाता है, देन आई प्लस प्लस, क्लियर। नेक्स्ट वन मीन्स इस केस में आप देख सकते हो प्रीवियस केस में जब ये असाइनमेंट हुआ मीन्स थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट असाइन किस में हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स में। तो फर्स्ट इंडेक्स जस्ट इस केस में क्या था, फर्स्ट इनिशियल ऑकरेंस ऑफ ओ आर, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ओ आर। जैसे आपको ओ आर का ऑकरेंस मिल जाता है देन सपोजेड ओ आर का ऑकरेंस क्या है आई, तो ए ऑफ आई में क्या असाइन होगा, ए ऑफ आई प्लस लेंथ ऑफ बी, दैट वन। इस एक्सप्रेशंस के थ्रू जस्ट शिफ्ट ऑपरेशंस कंप्लीट करना पॉसिबल है। सपोज दैट इस पर्टिकुलर केस में मीन्स ऑकरेंस कहाँ फाउंड हो रहा है, फर्स्ट इंडेक्स में, तो करेस्पॉन्डिंग आई वैल्यू क्या है इस केस में, जस्ट वन। आई का वैल्यू अगर वन है देन इस केस में वो शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म तो आई के प्लेस पर क्या जाएगा वन एंड लेंथ क्या है स्ट्रिंग का टू, वन प्लस टू बिकम्स जस्ट थ्री। मीन से इस केस में थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में हो जाएगा, वन इंडेक्स में। सेम है नेक्स्ट टाइम जब आई का वैल्यू टू हो जाएगा देन आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करें टू, अगेन टू प्लस लेंथ क्या है टू, टू प्लस टू इज फोर्थ। नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट आसान किस में हो जाएगा, सेकेंड इंडेक्स में। मीन से इस एक्सप्रेशन के थ्रू एलिमेंट्स को शिफ्ट कराना पॉसिबल है। तो सबसे पहले शिफ्ट कराने से पहले आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या, सर्चिंग फर्स्ट ऑकरेंस। अगर फर्स्ट ऑकरेंस मिल जाएगा देन आप इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करोगे। तो फर्स्ट ऑकरेंस सर्च करने का जस्ट लॉजिक क्या है, सबसे पहले ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मीन्स जो भी आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऑल कैरेक्टर्स लेफ्ट टू राइट आप मैच किससे कराओगे, सब स्ट्रिंग से, क्लियर। तो सब स्ट्रिंग के केस में टू पॉसिबल केस होंगे, या तो कोई गिवन
कैरेक्टर ए ऑफ आई से मैच होगा या फिर मैच नहीं होगा, क्लियर। तो सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएंगे, इफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, करेंट एलिमेंट ऑफ एरे ए, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू बी ऑफ जे, बी ऑफ जे, जे के केस में इनिशियल वैल्यू क्या है जीरो और आई का भी इनिशियल वैल्यू क्या है जीरो, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा जीरो वन टू समथिंग लाइक दैट, लेकिन जे का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा एज आ जीरो। तो एवरी टाइम इस केस में आई से एलिमेंट कंपेयर किससे होगा, जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट से, जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर करोगे, जीरो इंडेक्स मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सर्चिंग स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग। अगर एक कंडीशन ट्रू है मीन्स अगर जैसे ही ए ऑफ आई बी के मीन्स एरे बी के फर्स्ट एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट से मैच होता देना एवरी टाइम, नेक्स्ट टाइम ए ऑफ आई क्या होगा नेक्स्ट एलिमेंट, तो नेक्स्ट एलिमेंट तो अगेन फर्स्ट एलिमेंट से मैच कराओगे नेक्स्ट एलिमेंट से, नेक्स्ट एलिमेंट से, और नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स जे के थ्रू मैनेज करें, इसलिए परफॉर्म क्या कराएंगे एवरी टाइम्स जे प्लस प्लस। नेक्स्ट वन दूसरा पॉसिबल केस क्या, अगर एक कंडीशन फॉल्स है, सपोज दैट अगर ए ऑफ आई का वैल्यू बी ऑफ जे से मैच नहीं होता है, देन मीन्स अगर नेक्स्ट एलिमेंट से, यहाँ पे मैचिंग किस हो रहा है नेक्स्ट एलिमेंट से, अगर नेक्स्ट एलिमेंट से मीन्स ए ऑफ आई अगर नेक्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं होता है, देन नेक्स्ट सेकेंड लेवल पर सेम एलिमेंट ए ऑफ आई नेक्स्ट अगेन किससे कंपेयर कराएंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे बी, देन एल्स इफ ए ऑफ आई, अगेन ए ऑफ आई क्या होगा सेम एलिमेंट, मीन्स फर्स्ट इफ कंडीशन फॉल्स है देन सेकंड कंडीशन टेस्ट होगा, तो यहाँ ए ऑफ आई दोनों केस में सेम कंटेंट्स को कंपेयर कर रहा है, ए ऑफ आई सेम कंटेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट टाइम एरे बी के किस एलिमेंट से कंपेरिजन पर अंक कराएंगे, इस केस में जीरो इंडेक्स, मीन्स जस्ट जीरो इंडेक्स का रिप्रेजेंट करेगा, कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे बी और सब स्ट्रिंग फर्स्ट, अगर नेक्स्ट एलिमेंट मैच नहीं हो रहा देन मैचिंग किससे कराओगे फर्स्ट एलिमेंट से, क्लियर। देन इस अगर फर्स्ट एलिमेंट से मैच होता है देन इसका मतलब क्या है, मीन्स एरे बी के अंदर फर्स्ट एलिमेंट मैच हो चुका है, अगर फर्स्ट मीन्स अगर ये कंडीशन टू है देन ओनली, अगर कंडीशन टू है देन ये फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो रहा है देन फिर नेक्स्ट टाइम किससे मैच कराओ सेकंड एलिमेंट से, और बी के अंदर सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ वन, इसलिए जस्ट इसके अंदर जे में क्या साइन करा देंगे वन, मीन्स एरे बी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है जे, या तो मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट होगा जे प्लस प्लस से, और फर्स्ट एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट होगा जीरो, और जीरो से अगर कंपेरिजन सक्सेस होता है मीन्स जीरो मीन्स का फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर हो चुका है, सेकंड एलिमेंट कंपेयर कराने के लिए जे का वैल्यू क्या रखा मैंने एस वन। दूसरा पॉसिबल केस क्या, अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है देन जब तक कंपेरिजन एक भी कंपेरिजन सक्सेसफुल नहीं देन एवरी टाइम ए ऑफ आई का एलिमेंट मैच किससे करा हुए फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट मीन्स बी के फर्स्ट एलिमेंट से, और बी के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ जीरो, और फर्स्ट एरे बी के इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है जीरो, इस पर्टिकुलर केस में एल्स के केस में जे में क्या असाइन करा देंगे जस्ट वैल्यू एज जीरो, क्लियर। देन इस कंडीशन के टेस्ट होने के बाद देन एवरी टाइम जेथ इंडेक्स एलिमेंट को कंपेयर किससे कराएंगे बी के अंदर नल से, अगर बी के अंदर क्या था जस्ट ओ आर, प्रीवियस केस में क्या था जस्ट ओ आर, दिस इज द एरे बी। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन क्रिएट हो देन आप प्रीवियस वीडियो कंप्लीट करो एक बार, देन आपके सेम लॉजिक अच्छे से कंटिन्यू करना पॉसिबल होगा, क्लियर। देन इस पर्टिकुलर केस में जे के केस में फर्स्ट टाइम इंडेक्स क्या जीरो वन टू, अगर जे का वैल्यू जीरो है देन जे का रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट, जे का वैल्यू वन है देन जे का रिप्रेजेंट करा सेकंड एलिमेंट, अगर जे का वैल्यू इस केस में टू हो चुका है देन ये रिप्रेजेंट क्या करेगा लास्ट एलिमेंट नल, नल का मीनिंग क्या, अगर जे जे का वैल्यू टू हो चुका है इसका मतलब जे कहाँ चुका है नल के पास, तो इसका मतलब मीन्स प्रीवियस टू एलिमेंट सक्सेसफुली कंपेयर हुए हैं, इसे प्रीवियस टू एलिमेंट एरे ए में अवेलेबल है, अगर एरे ए में अवेलेबल है देन इसका एक्नॉलेजमेंट कौन प्रोवाइड करेगा जे बिकम्स इंडेक्स ऑफ नल। देन नेक्स्ट इस कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज क्या करें, इफ बी ऑफ जे, जैसे ही बी ऑफ जे का वैल्यू नल हो जाता है बी ऑफ जे इक्वल इक्वल्स टू नल, देन इसका जस्ट मीनिंग क्या है मीन्स फाइनली जिस सब स्ट्रिंग को आप मैच कर रहे सब स्ट्रिंग का फर्स्ट ऑक्रेंस अपीयर हो चुका है मीन्स ओ आर कहीं ना कहीं एरे ए में अवेलेबल है, अवेलेबल है देन अवेलेबिलिटी के केस में बात करें तो इसका ऑक्रेंस किससे रिप्रेजेंट होगा जस्ट आई प्लस वन माइनस जी, जस्ट इसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आई प्लस वन माइनस जी मीन्स इस इफ के अंदर आई प्लस वन माइनस जे जस्ट रिप्रेजेंट क्या करेगा फर्स्ट ऑक्रेंस और इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑक्रेंस, इसका मतलब आपको फर्स्ट ऑक्रेंस का इंडेक्स मिल चुका है, अगर फर्स्ट ऑक्रेंस का इंडेक्स मिल चुका है फॉर एग्जाम्पल जस्ट सिंपल केस कैरेक्टर ए बी सी डी
again E and B, C, D and null. Clear? Means this is the original string. Means आपको practically explain करूँगा, you taking some example. This is the original string. इस original string के अंदर just मुझे B, C, D का occurrence replace किससे कराना, means just मुझे replace क्या करना है इस केस में? B, C, D. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मीन्स इसको रिप्रेजेंट किसके थ्रू करें? यूजिंग पॉइंटर ए. नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट आपको बिलेट क्या करना है एवरी टाइम? सब स्ट्रिंग क्या आपके पास? बी सी डी. सब स्ट्रिंग इज कैपिटल बी सी डी एंड नल, इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3. क्लियर? नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट चेक करते हैं प्रीवियस लॉजिक्स. मीन्स इस केस में जस्ट एरे के अंदर बी सी डी का फर्स्ट ऑक्रेंस रिप्लेस कर, क्यों? बी के अंदर क्या है? बी सी डी. तो बी सी डी का जस्ट फर्स्ट ऑक्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फर्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या था? सर्चिंग फर्स्ट ऑक्रेंस. तो फर्स्ट ऑक्रेंस आपको प्रोवाइड कौन करेगा? गिवन लॉजिक्स. मीन जैसे ही इफ कंडीशन ट्रू होगा देन फर्स्ट ऑक्रेंस के रिस्पेक्ट में, अगर फर्स्ट ऑक्रेंस का इंडेक्स आपको लेना है तो इंडेक्स क्या आएगा? जस्ट आई प्लस वन माइनस जे. देन इसके जस्ट बाद में लॉजिक शिफ्टिंग ऑपरेशन कंटिन्यू करूंगा इसके अंदर. देन जस्ट पहले इस लॉजिक्स को, मीन्स अभी मैंने जो लॉजिक्स पार्ट की इनको प्रूव कर दें. इन दैट केस अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन अवेलेबल है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, सबसे पहले लूप एग्जीक्यूट हो तो लूप के अंदर टू वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, वेरिएबल आई एंड वेरिएबल जे. व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई एंड जे? इनिशियल वैल्यू इज 0 एंड 0. क्लियर? मीन्स डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ देन आपके लिए ईजिली समझना पॉसिबल है. आज जे, देन इस केस में ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है? ए ऑफ आई मीन्स ए ऑफ जीरो, और ए ऑफ जीरो में कैरेक्टर क्या है? ए. ए मीन्स नॉन जीरो, कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू होता है इफ कंडीशन टेस्ट हुआ. तो इफ कंडीशन के केस में जस्ट कंपेरिजन किसका हो रहा है? ए ऑफ जीरो इक्वल इक्वल जे का वैल्यू क्या है? ऑल्सो बी ऑफ जीरो. इस केस में कंपेरिजन किसका हो रहा है? ए जीरो का बी जीरो से. मीन्स ए जीरो में क्या है? ए एंड बी जीरो में क्या है? बी. मीन्स कंपेरिजन ट्रू और फॉल्स? कंपेरिजन बिकम फॉल्स. कंपेरिजन फॉल्स होता है सेम कंपेरिजन अगेन सेकंड कंडीशन टेस्ट हुआ. तो सेकंड कंडीशन मीन्स यहाँ जे का वैल्यू जीरो था, यहाँ डायरेक्टली क्या? जीरो. और आई का वैल्यू क्या? जीरो. मीन्स अभी करेंटली फर्स्ट केस में दोनों ही कंडीशन कैसे? एग्जैक्टली सेम. जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो ऑब्वियसली सेकंड कंडीशन भी कैसा हुआ? ऑल्सो फॉल्स. क्लियर? सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो इस केस में फाइनली चांस किसको मिलेगा? एल्स ब्लॉक. और एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग मीन्स अगर कोई भी सेगमेंट मैचिंग फेल होता है तो इस केस में एवरी टाइम नेक्स्ट एलिमेंट मैच किससे कराओगे? एरे बी के या सब स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट. तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या? जीरो. इसलिए जे को ऐसे एल्स पार्ट में जे को इनिशियलाइज किससे किया? जीरो से. तो जे का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में? अगेन जीरो. ओल्ड वैल्यू भी क्या था? ऑल्सो जीरो. नेक्स्ट थिंग्स, इसके जस्ट बाद इफ कंडीशन टेस्ट करेंगे. तो इफ कंडीशन में क्या? बी ऑफ जे. बी ऑफ जे मीन्स बी ऑफ जीरो. और बी ऑफ जीरो में क्या? कैरेक्टर बी. कैरेक्टर बी नल के इक्वल है क्या? नॉट. मीन्स कंडीशन क्या था? फॉल्स. कंडीशन फॉल्स है तो इसे इफ कंडीशन के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी लॉजिक्स परफॉर्म नहीं कराना. क्लियर? इसे लॉजिक कमी से कंडीशन कब ट्रू हुआ? जब स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग ए के अंदर सर्च हो जाएगा, फर्स्ट ऑक्रेंस फाउंड हो जाएगा. तब तक मैं इसको अभी टेस्ट नहीं कराऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम. इन दैट केस यानी इसके जस्ट आप परफॉर्म क्या होगा? आई प्लस प्लस. आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन. मीन्स जस्ट मैंने आपको लॉजिक भी बताया था, पहले फर्स्ट एलिमेंट मैच कराओ, अगर फर्स्ट एलिमेंट मैच नहीं हो रहा था नेक्स्ट टाइम सेकंड एलिमेंट मैच कराएं. लेकिन सेकंड एलिमेंट भी एरे बी के अंदर किस एलिमेंट से मैच कराओगे? फर्स्ट से या नेक्स्ट से? इससे जब तक मैचिंग स्टार्ट नहीं हुआ तब तक एवरी टाइम किससे मैच कराएंगे? फर्स्ट एलिमेंट से. रीजन, क्योंकि जब फर्स्ट एलिमेंट ही मैच नहीं हो रहा देन आगे के नेक्स्ट कैरेक्टर अगर सेम भी होते तब भी केस कैसा हुआ? इनवैलिड. इसलिए मैचिंग कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट ऑनवर्ड्स. अगेन चेक करो, ए के अंदर क्या है? बी. और बी के अंदर भी क्या है? सेम प्लेस पर बी. मीन्स वन. ए का कौन सा इंडेक्स है? मीन्स दिस इज द ए इंडेक्स, दिस इज द बी इंडेक्स. तो ए के अंदर इंडेक्स क्या है? वन. और बी के अंदर इंडेक्स क्या है? जीरो. तो ए के वन इंडेक्स में क्या है? बी. और बी के वन इंडेक्स सॉरी जीरो इंडेक्स में क्या है? ऑल्सो बी. कंडीशन इज ट्रू. नेक्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू देन इमीडिएटली, इसका मतलब क्या है? मीन्स ए का नेक्स्ट एलिमेंट सी बी के नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करने की जरूरत है. मीन्स बी मैच हो चुका तो अब आपको मैच क्या करना? रिमेनिंग सी डी. तो सी डी के केस में इस नेक्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट से मैच कराओगे देन नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? वन. और करंटली जे में क्या है? जीरो. देन जे में वन बनाने के जे में क्या होना चाहिए? वन. रिक्वायर्ड क्या है? वन. तो इसलिए जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा इमीडिएटली परफॉर्म क्या हो जाएगा? जे प्लस प्लस. जे प्लस प्लस के अकॉर्डिंग जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? जस्ट वन. और जे इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंड एलिमेंट.
इफ कंडीशन ट्रू हो चुका था, रिमेनिंग कंडीशन टेस्ट नहीं होंगे, क्लियर। देन ये इफ कंडीशन कैसा फॉल्स, देन परफॉर्म क्या होगा, आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा टू। तो आई के सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट बी, सॉरी ए का सेकंड इंडेक्स बी के किस इंडेक्स से मैच होगा, वन इंडेक्स, मीन्स टू एंड वन, टू एंड वन। तो टू इंडेक्स में क्या सी, और वन इंडेक्स में भी क्या ऑल्सो सी, क्लियर। दोनों इंडेक्स में मीन्स कैरेक्टर सेम है डिफरेंट, मीन्स प्रीवियस ऑक्रेंस भी मैच हुआ, करंट ऑक्रेंस भी मैच हो रहा, करंट ऑक्रेंस मैच हो रहा, मीन्स फर्स्ट कंडीशन कैसा है ट्रू, ट्रू है, देन अगेन क्या परफॉर्म हो रहा है जे प्लस प्लस। तो नेक्स्ट टाइम जे का वैल्यू अगेन क्या हो जाएगा टू, क्योंकि अगेन मीन्स जब तक ये मैचिंग फाउंड हो रहा है देन आपको अगेन सी मैच करा चुके, नेक्स्ट टाइम क्या मैच कराने की जरूरत है डी को नेक्स्ट एलिमेंट से, लेकिन डी का इंडेक्स क्या है थ्री। जब ये कंडीशन जे प्लस प्लस होने वाला तो कंट्रोल करना है आई प्लस प्लस बिफोर टेस्ट, मीन्स आई प्लस प्लस से पहले जस्ट एक कंडीशन टेस्ट होगा, बी जे का वैल्यू क्या टू, बी ऑफ टू में क्या है डी, डी इक्वल इक्वल नॉल कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन अगेन आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट थ्री। नेक्स्ट टाइम चेक करो, ए के थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट बी के कौन से एलिमेंट, कौन से इंडेक्स से मैच कराना, सेकेंड, थ्री एंड टू, तो थ्री में भी क्या है डी और टू में भी क्या है डी। अगेन ये इफ कंडीशन कैसा है ट्रू, मीन्स लूप कब तक चलेगा, जब तक ए ऑफ आई नल नहीं हो जाता है, मीन्स अगेन ये लूप कैसा ट्रू, ट्रू होता है फिर से क्या हुआ जे प्लस प्लस। नेक्स्ट टाइम जे का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट थ्री, चेक कर सकते हो बी ऑफ थ्री, बी ऑफ थ्री में जस्ट स्टोर किया नल, क्लियर। मीन्स जे प्लस प्लस होने के जस्ट बाद जब इफ कंडीशन टेस्ट हुआ तो इफ कंडीशन अब ट्रू या फॉल्स है, प्रीवियस सभी केस में फॉल्स था क्योंकि जे किसी नल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, लेकिन अब जे के पास किसका इंडेक्स है, नल एलिमेंट का इंडेक्स, नल एलिमेंट का इंडेक्स क्या थ्री। अगर जैसे ही जे में नल एलिमेंट का इंडेक्स आता है इसका मतलब क्या है, मीन्स स्ट्रिंग बी ए के अंदर कंप्लीटली मैच हो चुका है, चेक कर सकते हो कंप्लीटली मैच हो चुका है, लेकिन ये बिगिनिंग इंडेक्स क्या था इसका वन। अब आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मीन्स जैसे ऑपरेशन के लिए, मीन्स एक कंडीशन अगर ट्रू हो चुका है देन कंट्रोल कर जाए इनसाइड बॉडी ऑफ इफ, और एक बार कंट्रोल अगर इफ के बॉडी पार्ट में आ गया देन इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं स्ट्रिंग कंप्लीटली मैच हो चुका है। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, फर्स्ट सॉरी गिवन स्ट्रिंग के ऑकरेंस का बेस इंडेक्स, बेस इंडेक्स क्या है वन, तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा जस्ट इंडेक्स, चेक इट, आई का करंट वैल्यू क्या है थ्री प्लस वन, माइनस जे का वैल्यू क्या है थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा क्या वन, मीन से वन क्या है जस्ट फर्स्ट ऑकरेंस, तो वन किस में आसान हो जाएगा वेरिएबल एफ में, और आपको रिक्वायर्ड भी क्या था फर्स्ट ऑकरेंस, क्लियर। फर्स्ट ऑकरेंस मिलने के जस्ट बाद अब आपको परफॉर्म क्या कराना है, डेटा शिफ्ट ऑपरेशंस। तो नेक्स्ट टाइम में आप कंटिन्यू क्या कर रहा हूँ इस केस में, डेटा शिफ्ट, करंटली ए का वैल्यू क्या है थ्री एंड बी का वैल्यू क्या है ऑल्सो थ्री, क्लियर। ए का वैल्यू क्या है इस केस में थ्री एंड बी का वैल्यू क्या है ऑल्सो थ्री। तो नेक्स्ट टाइम आप परफॉर्म क्या कराना है सेम स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में, डेटा शिफ्ट ऑपरेशंस, आई जे, आई का वैल्यू क्या है थ्री और जे का वैल्यू क्या है ऑल्सो थ्री। नेक्स्ट वन आपको रिक्वायर्ड क्या है, नेक्स्ट वन जब डेटा शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करा तो डेटा शिफ्टिंग आपको रिक्वायर्ड किस प्लेस से, वन। वन मोर थिंग्स, चेक इट, आपको जस्ट रिक्वायर्ड क्या था, लेंथ ऑफ एरे बी, एरे बी के रिस्पेक्ट में जस्ट नल का लेंथ, नल का इंडेक्स किसके पास है जे के पास, नल का इंडेक्स थ्री था उसका मतलब बी के एरे बी का लेंथ भी क्या था ऑल्सो थ्री। मीन्स जे इट सेल्फ रिप्रेजेंट क्या करता है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग लेंथ ऑफ बी। मीन्स जैसे ही लेंथ, मीन्स जे के अंदर नल का इंडेक्स आएगा तो नल का इंडेक्स इट सेल्फ क्या हुआ, लेंथ ऑफ दिस एरे। तो आपको लेंथ मैनुअली सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जब आपके लॉजिक्स ट्रू कंडीशन प्रोवाइड करें देन ट्रू कंडीशन के साथ साथ जे इट सेल्फ रिप्रेजेंट क्या करेगा, लेंथ ऑफ बी। चेक कर सकते हो जस्ट एरे बी के अंदर एलिमेंट्स क्या थे, बी सी डी एंड नल, तो बी सी डी इट सेल्फ है लेंथ क्या है इसका एरे बी का थ्री और जे का वैल्यू क्या है ऑल्सो थ्री। मीन जब कंट्रोल इफ बॉडी के अंदर आएगा तो इफ बॉडी के अंदर केस में जे इट सेल्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा ऑल्सो लेंथ ऑफ एरे बी। मीन दिस इज द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फॉर यू, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अब आपको इस प्लेस पर असाइनमेंट किस में कराना है, जस्ट आपको इस टर्म से आप परफॉर्म क्या कराना है, डेटा शिफ्ट ऑपरेशन। लेकिन डेटा शिफ्ट ऑपरेशन करंटली मीन्स आई को एक बार फिर से सेट किससे कर देंगे, मीन्स सेम रिजल्ट आप डायरेक्टली असाइन किस में करा सकते हो, आई में। मीन्स आपको सेपरेट वेरिएबल एफ क्रिएट करने की नीड नहीं, मीन्स आई का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है थ्री, थ्री प्लस वन बिकम्स फोर माइनस जे,
मीन्स जस्ट इसका रिजल्ट क्या वन, ये वन के समय साइन हो जाएगा वेरिएबल आई में, आई का न्यू वैल्यू क्या हुआ वन, और मीन्स बी सी डी एरे का मीन्स जो सर्चिंग स्ट्रिंग बी सी डी था इसका इंडेक्स भी क्या था ऑल्सो वन। नेक्स्ट मीन्स जस्ट आपको रिप्लेस क्या कराना है इसे बी सी डी, तो आपके पास एक्सपेक्ट रिजल्ट क्या हुआ ए देन दैट वन ई देन बी सी डी, दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्योंकि बी सी डी रिमूव होने के बाद क्या आएगा ए ई बी सी डी, जस्ट बी सी डी के सारे ऑकरेंस रिमूव कराना है, ओनली फर्स्ट ऑकरेंस देन फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स कॉपी किस में करा चुके हैं जस्ट आई में, ये पर्टिकुलर लॉजिक्स सेपरेटली अलग से प्रोवाइड नहीं करके आप प्रोवाइड कहाँ करा हुए इन साइड फोर लूप, क्योंकि आपको जस्ट परफॉर्म क्या कराना डेटा शिफ्ट ऑपरेशन, तो लूप के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कराएंगे आई के लिए आई प्लस वन माइनस जे, क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा जस्ट कॉपी ऑपरेशन, तो सबसे पहले चेक कर सकते हो बी के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा ई, मीन्स ऑलरेडी इस प्लेस पर क्या है ए, और ए देन बी के प्लेस पर क्या जाएगा ई, इन दोनों के इंडेक्सेस में कितने का डिफरेंस है वन एंड फोर, मीन्स जस्ट थ्री का डिफरेंस है, तो इस केस में ए ऑफ वन किस में ए ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या करेंटली वन, तो ए ऑफ वन में आसान क्या कराना है ए ऑफ वन, वन प्लस वन मीन्स आई प्लस थ्री, और थ्री किसके पास है जे के पास, तो इस प्लेस पर राइट डाउन क्या करेंगे जे प्लस। ये ऑपरेशंस कब तक अप्लाई होंगे मीन्स करेंटली आई और जे के वैल्यूज क्या थे, आई का वैल्यू क्या हो चुका था रिसेंटली वन और जे का वैल्यू क्या था ऑलरेडी थ्री, इसके साथ साथ एवरी टाइम आई में वन से इंक्रीमेंट करा हुए देन क्लोज दिस लूप बाय यूजिंग सेमी कॉलन, मीन से लूप जस्ट सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो जाए, क्लियर। मीन से जस्ट लूप इटसेल्फ प्रोवाइड क्या करेगा डेटा शिफ्ट ऑपरेशन नथिंग, क्लियर। इस चेक कर सकते हो आई आई प्लस जे मीन्स आई का वैल्यू क्या चुका है वन और जे का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था थ्री, इस केस में जब असाइनमेंट परफॉर्म हुआ तो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आई के प्लेस पर क्या आएगा वन, ए ऑफ वन इक्वल्स टू देन इस प्लेस पर आई के प्लेस पर क्या आएगा वन एंड जे के प्लेस पर क्या आएगा थ्री, जस्ट असाइनमेंट किसका हो रहा है वन प्लस थ्री बिकम्स ए ऑफ फोर, ए ऑफ फोर का वैल्यू कॉपी किस में जाएगा ए ऑफ वन में एंड ए ऑफ फोर का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है ऑलरेडी ई, असाइन किस में हो रहा है ए ऑफ वन में, तो ए ऑफ वन का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट ई, क्लियर इट। नेक्स्ट वन, अब आपको शिफ्टिंग किसके लिए कॉपी में से ई कॉपी हो चुका है बी को रिप्लेस कर चुका है, देन अब बी इटसेल्फ इसको रिप्लेस करेगा सी को, क्लियर। तो नेक्स्ट टाइम इस असाइनमेंट के जस्ट बाद दूसरा केस क्या है, इस लूप के अंदर कंडीशन के प्लेस पर ए ऑफ वन का करंट वैल्यू रिप्लेस हुआ, असाइनमेंट के बाद ए ऑफ वन का वैल्यू क्या हो चुका है ई, तो कंडीशन में क्या पास होगा आस्की वैल्यू ऑफ ई, और ई का आस्की वैल्यू इटसेल्फ क्या है नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट वन आई प्लस प्लस परफॉर्म हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में जस्ट टू, क्लियर। नेक्स्ट वन टू होने के बाद अगेन आई के फिर से कंडीशन टेस्ट होगा, तो कंडीशन टेस्टिंग में आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे और आई का वैल्यू क्या है टू टू, लेकिन जे में कोई चेंज नहीं हुआ है, मीन्स इस बार ए ऑफ टू में आसान क्या हो रहा है वैल्यू ऑफ ए ऑफ फाइव, चेक कर सकते हो बी का इंडेक्स क्या है फाइव सी का इंडेक्स क्या है टू, तो फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस प्लेस पर हो जाएगा सेकेंड इंडेक्स में, मीन्स जस्ट असाइनमेंट किसके लिए हो रहा है बी के लिए, क्लियर। मीन्स ई भी शिफ्ट हो चुका है कॉपी हो चुका है बी भी कॉपी हो चुका है, नेक्स्ट टाइम रिमेनिंग क्या होता है सी और डी एंड नल। नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद ए ऑफ टू का करंट वैल्यू क्या है बी, तो कंडीशन के प्लेस पर ए ऑफ टू का वैल्यू क्या रिप्लेस करा वो बी, बी मीन्स नॉन जीरो कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू देन फिर से परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस नाउ बिकम्स थ्री, आई नेक्स्ट टाइम आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस करा हुए एंड जे के प्लेस पर जे का वैल्यू, तो आई के प्लेस पर क्या आएगा थ्री, थ्री प्लस थ्री बिकम्स सिक्स, तो ए ऑफ सिक्स में करंटली क्या है सी, कॉपी कहाँ हुआ थर्ड इंडेक्स में, सिक्स्थ इंडेक्स का एलिमेंट जब थर्ड इंडेक्स में कॉपी होगा विच इज सी, नाउ डी इज रिप्लेस्ड बाय सी, क्लियर। देन स्पेस पर कंडीशन में क्या रिप्लेस हो जाएगा कॉपी कंटेंट्स सी, ए ऑफ थ्री का वैल्यू क्या है सी, सी अगेन कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करेगा ट्रू, ट्रू का फिर से आई प्लस प्लस होगा बॉडी एम्प्टी आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम फोर, फोर होने के इसमें नेक्स्ट टाइम आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करा हुए फोर, फोर प्लस थ्री जे का वैल्यू क्या है स्टिल थ्री, फोर प्लस थ्री सेवन, तो सेवन्थ इंडेक्स का एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स में कॉपी हो रहा है, द सेवन्थ इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स, नाउ ई इज रिप्लेस्ड बाई
डी, ई डी से रिप्लेस हो जाएगा, देन स्पेस पर रिप्लेस क्या हुआ डी, डी इटसेल्फ क्या कंडीशन ट्रू, देन अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव, नेक्स्ट टाइम आई के प्लेस पर क्या आएगा जस्ट फाइव, ए ऑफ फाइव इक्वल्स टू, देन आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे आई का वैल्यू फाइव, फाइव प्लस थ्री बिकम्स एट, नेक्स्ट टाइम ए ऑफ एट कॉपी किसमें हुआ, मीन्स एट्थ इंडेक्स का एलिमेंट फिफ्थ इंडेक्स में साइन हो रहा है और एट्थ इंडेक्स में क्या जस्ट नल, कॉपी किस इंडेक्स में हो रहा है फिफ्थ, ना बी इज रिप्लेस्ड बाई नल, क्लियर, देन नल कॉपी होने के बाद स्पेस पर ए ऑफ आई का करंट वैल्यू का रिप्लेस होगा ऑल्सो नल, नल मीन्स जीरो, जीरो के रिस्पेक्ट में कंडीशन अल्टीमेटली फॉल्स हो रहा है, आपको कोई भी कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं, जैसे ही नल कॉपी हो जाए कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो कंडीशन फॉल्स होने की जस्ट बात चेक करो, बी सी डी का फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव हो चुका है लेकिन सेकेंड ऑकरेंस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और डिकमिस इस केस में स्ट्रिंग कंसिडर का वो कहां तक हुआ अप टू फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ नल, रिमेनिंग पार्ट लॉजिकली स्ट्रिंग का पार्ट कंसिडर हुआ क्या नहीं, ओनली जब इसे स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराओ तो डिस्प्ले क्या हुआ ए ई बी सी डी, डी के बाद नल है नहीं प्रिंट होना स्टॉप हो जाएगा, इसको ए भी ऑपरेशन हमेशा नल के रिस्पेक्ट में परफॉर्म होते हैं, फाइनली इस लूप के थ्रू परफॉर्म क्या हो रहे हैं कॉपी ऑपरेशन, नेक्स्ट टाइम जैसे इस प्लेस पर जीरो पास हुआ नल पास हुआ कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होने के जस्ट बाद अब आपको आगे नेक्स्ट ऑकरेंस के लिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, मीन्स फर्स्ट ऑकरेंस सर्च भी करा चुके हो, फर्स्ट ऑकरेंस रिप्लेस भी करा चुके हो या रिमूव भी करा चुके हो, देन अब आपको बस मीन्स आउटर लूप, अगर आप इस प्लेस पर कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन प्रोवाइड नहीं करते ना अगेन आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होने के इसमें आई का वैल्यू क्या हो जाएगा सिक्स, देन अगेन फिर से कंडीशन टेस्ट होगा, लेकिन आपको आगे कोई ऑपरेशंस कंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं है, देन लूप को मीन्स आउटर लूप को टर्मिनेट करने के लिए फॉर लूप के जस्ट बाद आप प्रोवाइड क्या करोगे ब्रेक स्टेटमेंट, ये ब्रेक किस लूप को टर्मिनेट करा इनर लूप और आउटर लूप, आउटर लूप तो ब्रेक से कंट्रोल कॉन्स्टेंट जाएगा रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस प्लस रिटर्न टाइप वर्ड था इसलिए कोई वैल्यू रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, इस ऑपरेशंस को जस्ट अगर आप टेस्ट करना चाहते हो सिंपली प्रोवाइड क्या करोगे मेन फंक्शंस के अंदर लॉजिक्स आप सेल्फ प्रोवाइड कर सकते हो void main, जस्ट इस केस में रिप्लेस क्या कराना है प्रिंट एफ और सम कैरेक्टर एरे ए इक्वल्स टू कॉरपोरेशन, इस आप कोई भी स्ट्रिंग टेस्ट कर सकते हो, जस्ट इस केस में यूज क्या कर रहा हूँ कॉरपोरेशन, देन सब स्ट्रिंग यूज करना है जा ओ आर स्मॉल केसेस हैं, देन फंक्शन नेम क्या रिमूव फर्स्ट, रिमूव फर्स्ट, देन इस पर्टिकुलर केस में सप्लाई क्या करेंगे ए कॉमा बी, इसके जस्ट बाद अगर आप पुट्स फंक्शन के थ्रू या प्रिंट एप के थ्रू ए के कंटेंट डिस्प्ले कराओगे, यानी इस केस में एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या डिस्प्ले हो ए का ओरिजिनल कंटेंट्स क्या थे कॉरपोरेशन, लेकिन आउटपुट क्या प्रिंट होना चाहिए सी, इसे एक्सेप्टिंग ओ एंड आर, यानी क्या आएगा पी ओ आर ए टी आई ओ एन, क्लियर, इस टाइप से फर्स्ट ऑकरेंस को रिमूव कराना पॉसिबल है, सेम है सेम प्रोग्राम को लास्ट ऑकरेंस में भी कन्वर्ट करना पॉसिबल है, क्लियर, नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे हाउ टू रिमूविंग लास्ट ऑकरेंस।